ऑन कर देते हैं। जब ऑन कर देंगे, देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, दिख रहा है, और उसके बाद एक लाइट यहाँ जल रहा है, वन लिखा हुआ है, और एक लाइट यहाँ जल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये माइक बंद कर रखा है, ये माइक बंद है, इसका मतलब ये लाइट जो जल रहा दिख नहीं रहा है, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये जल नहीं रहा है, इसको हम ऑन कर देंगे। जैसे इसको हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे एक लाइट जो है ना चालू हो जाएगा ये, ठीक है। ये दो नंबर मतलब दो नंबर का माइक है ये, तो दो चालू हो गया, ग्रीन हो गया। अभी हम कुछ बोल, हेलो 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 बोल रहे हैं, तो ये लाइट जो है ना ब्लिंक कर रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, समझे, ये इंडिकेटर है। अगर ये नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब ये माइक काम नहीं कर रहा है, ये तार से इसे लगा नहीं हुआ है, तो करना पड़ता सेटिंग, तो हमने लगा दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट लगा देता हूँ, उसके बाद किसी और का मुझे इंटरव्यू लेना था। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे वीडियो बनाता हूँ और कैसे मैं अपलोड करता हूँ। तो जानना चाहते हैं पूरे वीडियो के लास्ट तक बने, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। हाँ, हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों देखिए, ये मेरा सेटअप है, ये ठीक है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास ये रोड कंपनी का माइक है। ये कैसे करता हूँ मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए मेरे पास ये एक डिजिटल कैमरा है, ये निकॉन कंपनी का ये कैमरा है, कैमरे के अंदर लगाना पड़ता है मुझको वायरलेस माइक। तो देखिए मैंने रोड कंपनी का माइक ले रखा है, डुअल चैनल का माइक है ये, देखा ना, इसमें ये तीन माइक मिलते हैं एक साथ में। मान लीजिए किसी का इंटरव्यू लेना मुझको है, तो एक माइक मैं उनको लगाता हूँ, उनको, और एक माइक पे अपने आप लगाता हूँ, और एक माइक लगाता हूँ मैं ये अपने कैमरे के अंदर। देखिए दिख रहा है तीन माइक, ये टोटल माइक है। कैसे इसको सेट करता हूँ बताता हूँ आपको मैं। देखिए एक ये रिसीवर है, ये देख रहा ना, ये इसके अंदर आपको डिस्प्ले दिखेगा, तो हमको लगाना पड़ेगा ये कैमरे में, ये क्लिप दिया वहां पर, और इसको मैं ऐसे यहाँ लगा देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया, यहाँ सेट हो गया। ये सेट होने के बाद में मुझे एक मिला हुआ है इसके साथ में केबल, देख रहा है केबल है ये, जो ये कनेक्ट होगा, एक माइक से कनेक्ट होगा और एक कनेक्ट होगा अपने कैमरे से कनेक्ट होगा। सिंपल तरीके से तार एक साइड यहाँ लग जाएगा, दोनों एक ऐसा तार है, तो यहाँ लगा दिया और उसको एक साइड लगा दिया, ये हमारा तार सेट हो गया। ये तार सेट हो गया और इसको हमको माइक को ऑन करना होता है। हमने क्लिक किया माइक को, माइक को क्लिक करके इसको हम प्रेस कर बटन दबा करके इसको हम ऑन कर देते हैं। जब ऑन कर देंगे, देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, दिख रहा है, और उसके बाद एक लाइट यहाँ जल रहा है, वन लिखा हुआ है, और एक लाइट यहाँ जल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये माइक बंद कर रखा है, ये माइक बंद है, इसका मतलब ये लाइट जो जल रहा दिख नहीं रहा है, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये जल नहीं रहा है, इसको हम ऑन कर देंगे। जैसे इसको हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे एक लाइट जो है ना चालू हो जाएगा ये, ठीक है। ये दो नंबर मतलब दो नंबर का माइक है ये, तो दो चालू हो गया, ग्रीन हो गया। अभी हम कुछ बोल, हेलो 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 बोल रहे हैं, तो ये लाइट जो है ना ब्लिंक कर रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, समझे, ये इंडिकेटर है। अगर ये नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब ये माइक काम नहीं कर रहा है, ये तार से इसे लगा नहीं हुआ है, तो करना पड़ता सेटिंग, तो हमने लगा दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट लगा देता हूँ, उसके बाद किसी और का मुझे इंटरव्यू लेना था, तो कहता हूँ भाई साहब इसको आप लगा लीजिए, अगर मुझे सिंगल बोलना होता है तो सिंगल इसको ऑन करता हूँ मैं, और किसी का इंटरव्यू लेना होता है। अब देखेंगे इसके अंदर आप जो है ना दो चैनल दिख रहा है आपको, देखिए ये वन नंबर भी ब्लिंक कर रहा है, लाइट जल रहा है ये, और टू नंबर लाइट जल रहा है ये, दोनों जल रहा है ये। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये जो कैमरा मैन मेरा होता है मतलब, और उसके बाद इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद में इसको देख करके ऐसे पिक्चर्स इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, समझ बात को, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऐसे करके, वीडियो के लिए 16:9 रेशियो बनता है ये। अब मान लीजिए कि वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हमारा हो गया, अब रिकॉर्ड करने के बाद में हमको अपने वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफर करना पड़ता है एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो कैसे करता हूँ लेके चलता आपको मैं, देखिए इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, अब लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप इसके। हाँ एक चीज बता दूँ आपको मैं, जैसे ये जो तार लगा रखा हूँ मैं ना, तार ये देखिए जो तार ये लगा हुआ है, ये सिर्फ कैमरे के लिए तार है ये। अगर मुझे इस माइक को मोबाइल से कनेक्ट करना रहेगा इस माइक को, तो मुझे अलग से एक तार लाना पड़ेगा। देखिए ये तार मैं अलग से खरीदा हुआ था, ये देखिए तार ही है, ये तार तार से भैया 1200 रुपए का तार था ये, देख रहे हैं ये तार ये, तो इसको लगाने के लिए ये वाला तार तो माइक के साथ फ्री मिलता है ये, ठीक है, लेकिन ये वाला तार खरीदना पड़ता है अलग से मोबाइल के लिए। तो मैंने क्या किया, देखिए ये लगाने के लिए, मोबाइल लगाने के लिए एक साइड यहाँ लगा देंगे हम, ये लग जाएगा, और एक दूसरे कलर का दिया हुआ है, ये हम मोबाइल में लगाते हैं ऐसे करके, देखिए ये लगाते हैं तब मोबाइल काम करता है ये। उसके बाद जैसे ये लगा रहेगा, तो मतलब मोबाइल का अलग तार है और हमारे कैमरे के लिए अलग तार है, बात समझ में आ गई था आपको। अब देखिए क्या करते हैं, अब समझ एग्जांपल दे दिया आपको मैंने, अब हमको लगाना है इस कैमरे को अपने लैपटॉप में, मतलब जो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रखा है कैमरे के अंदर उसको वहां ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे लेके चलता हूं आपको मैं लैपटॉप में, दिखाता हूं आपको मैं। देखिए मैं, तो देखिए अब ट्रांसफर करना है, तो दो ऑप्शन ये है,
एक मैं डायरेक्टली केबल से इसको कनेक्ट करूँ उसके साथ में, या इसके अंदर लगता है मेमोरी कार्ड, दिखाता हूँ आपको मैं। ये कैमरे को हम बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद में इस कैमरे के अंदर एक लगता है मेमोरी कार्ड, इसमें निकाल कार्ड निकाल, इसको एसडी कार्ड कहते हैं। देखिए कार्ड निकल गया, इसी के अंदर जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रहा उसके अंदर ही है, तो इसको निकाल सकते हैं अगर आपके लैपटॉप में कार्ड रीडर दिया हुआ है तो। क्योंकि ये जो कार्ड रीडर है ना, देखिए जो कार्ड रीडर दिया हुआ है ये डायरेक्ट मेरे लैपटॉप में कहीं लगने पाया, क्योंकि लगाने का जगह नहीं दिया उसको। तो इसको मैंने क्या किया हुआ है ना, मार्केट से ला करके ऐसा मिलता है 50 रुपये का, देखिए ये कार्ड रीडर है ये, और इसको मैं ऐसे लगा करके, मैं कभी क्यों करता हूँ इसको लगा देता हूँ उसको, ये कार्ड इसमें लग चुका है। अब इसको लगा के मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं USB पोर्ट पर ट्रांसफ़र कर लूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कार्ड को निकालना लगाने की गौर करता रहता हूँ। ये देखिए इसमें लगा रहेगा, ये हमारा ये मेमोरी कार्ड लगा रहेगा, और लगने के बाद में मेरे पास एक डेटा केबल है, देखिए डेटा केबल है, ये डेटा केबल है, इसी के माध्यम से करते हैं। तो एक साइड हमारे दिया हुआ है टाइप सी, देख सकते हैं ये, और एक साइड दिया USB। तो मैं टाइप सी की साइड में लगा देता हूँ, ये देखिए टाइप सी की साइड में मैंने लगा दिया, और ये लगाता हूँ लैपटॉप में। देखिए ये हम लगाते हैं लैपटॉप की USB पोर्ट के अंदर, देखिए इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ से लगता। उसके बाद फिर हम ये करेंगे लैपटॉप को यहाँ से ये कैमरे को ऑन कर देंगे। अभी देखिए कैमरा कनेक्ट हो गया, ये बता रहा है कैमरा कनेक्ट हो गया, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये क्लिक करने के बाद में ये कैमरा खुल के आ गया, द फोल्डर इज़ एम्प्टी बता रहा है, लेकिन अब कैमरे को हम ऑन कर देंगे यहाँ से, तो उसके बाद जो है हमारा कैमरा जो है खुल जाएगा। देखिए अब बता रहा है जो हमारा मेमोरी कार्ड था कैमरे के अंदर से रिमूवल डिस्क लिख क्या रहा है, रिमूवल स्टोरेज लिख क्या रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इसको फिर DCIM क्लिक करेंगे, ये हो गया क्लिक। और इसके अंदर मान लीजिए इतने सारे रिकॉर्डिंग कर रखा है, एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ ये वाला फोल्डर, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके और एक तो दिखा के मैं इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, सिंपल इतने सारे लोडेड है रिकॉर्डेड है, तो मैं एक ये वाला लेता हूँ कम वाला और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, भाई कॉपी हो जाता हूँ, कॉपी हो गया। और उसको मैं क्या करता हूँ अपने डेस्कटॉप में किसी फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये एक फोल्डर है, ये फोल्डर यहाँ मैंने आके इसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया। अभी फाइल हमारा जो है उड़ के देखिए यहाँ से कैमरे से उड़ के हमारे इस लैपटॉप में आ रहा है, दिख रहा ना, लैपटॉप में आ रहा चुका है। और ये फाइल हमारा ये आ गया 936 कहाँ पे, दिनेश नाम के फोल्डर के अंदर। हमें इसको एडिटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये मैं बंद करता हूँ वहाँ से। मेरे लैपटॉप के अंदर वंडर शेयर फिल्मोरा लोडेड 12, इसको मैंने खरीद रखा है लाइसेंस, दिख रहा है यहाँ पे, इसके हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसी के अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ, सिंपल यहाँ एडिटिंग करता हूँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि फिल्मोरा कैसे एडिटिंग करते हैं, ज़्यादा देखना सीखना तो देख लीजिएगा, वरना रब बता रहा हूँ मैं, ये खुल के आ गया। और यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है यूट्यूब की वीडियो के लिए, 16.9 रेशियो होता है वाइड स्क्रीन, यहाँ सेलेक्ट रहेगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, नहीं चेंज करना है यहाँ पे यही करना है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट में मैं आ गया, और न्यू प्रोजेक्ट आने के बाद में जो मेरा वीडियो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ड्रॉप योर वीडियो यहाँ क्लिक करते हैं, वीडियो हमारा है दिनेश फोल्डर के अंदर, इसको मैं लेकर आता हूँ और D9936 था, ओपन करते हैं तो वीडियो मेरा टाइमलाइन पे आ चुका है, यहाँ आया हुआ, इसको पढ़ के मैं उठ के यहाँ रख देता हूँ। देखिए वीडियो मेरा यहाँ पे आ चुका है, और इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बात कर देना 1920 इस पर क्लिक करके 25 FPS पे, इस पर क्लिक किया, देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया। अब इसको प्ले का चेक करना है, वीडियो हमारा ये हमने प्ले किया तो वीडियो हमारा देखिए दिख रहा है ये। नमस्ते दोस्तों, दिख रहा है आप लोग हैं, दिख रहा वीडियो में दिख रहा है, ये बड़े दिख रहा है, इसे बड़े कैसे चेक कर सकता हूँ, उसको मैं बड़े में चेक कर सकता हूँ, यहाँ देखिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दिख रहा ना होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार लैपटॉप चलाते हैं। ये वीडियो को मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, एडिट मान लीजिए एडिट हो चुका है, एडिट हो गया है, अब क्या करते हैं इसको एक्सपोर्ट करते हैं हमें, एक्सपोर्ट करेंगे मतलब इसको जो है फॉर्मेट में हम चेक करेंगे, मतलब कुछ और लगाना कुछ लिखना है तो इस वीडियो इसमें यहाँ से हम कर सकते हैं। ये हमारा टाइमलाइन है ये, अब सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ, ये एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, और ये वीडियो को क्रिएट कर रहा है, मतलब अब हम वीडियो कुछ नाम देना चाहते हैं तो यहाँ मैं दे देता हूँ NN नाम दे दिया, एग्जाम्पल तौर पर ले लिया। कहाँ सेव करेगा, डी के अंदर जोगिंदर नाम से फोल्डर बना हुआ है NN नाम से, मैं वहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ फ्रेम टाइप दिया 25 रहने दीजिए, अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए आपको 1920 दिया, उसको मैं चेंज करके चाहता हूँ 3840x2160 कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक कर लेंगे थोड़ी क्वालिटी और अच्छी आ जाएगी। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए दिया हुआ है एक्सपोर्ट, समझे, ये हो चुका है। उसके बाद फॉर्मेट होता है वीडियो का, MP4 में करना है, WMV में करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो है MP4 में करता है, उस पर सेलेक्टेड है ये, और यहाँ पे ला करके मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब वीडियो जो है क्या हुआ, क्रिएट हो रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, अगर मान लीजिए कि 3-4 क्लिप एक साथ रहता है तो सबको मैं क्रिएट करता, देखिए यहाँ पे क्या है कि कन्वर्टिंग कर रहा है, ये वीडियो हमारा कन्वर्ट हो रहा है ये, और कन्वर्ट होके जब 100% हो जाएगा तो हमारा वीडियो क्रिएट हो जाएगा, तो हमको यूट्यूब पे लोड कर सकते हैं, फेसबुक पे लोड करना फेसबुक लोड करना, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म में लोड करना हम कर सकते हैं। देखिए हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, ये फोल्डर हमारा ओपन फोल्डर जहाँ वीडियो हमारा कहाँ क्रिएट हुआ वो खुलेगा, देखिए ये ठीक है, ये वीडियो हमारा जो है
एन एन नाम से हमने वीडियो क्लिक किया ना भाई साहब, देखिए ये मैं क्लिक करता हूँ एन नाम से देखता हूँ, देखिए एन एन नाम से मेरा फोल्डर ये वाला आ गया है, ये क्रिएट हो गया ये, और इसमें कुछ हमको एडिटिंग करना रहता है, कुछ करना रहता है जो हम किए होंगे, तो देखिए ये मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। नमस्ते दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ से मैं अपने यूट्यूब चैनल को इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यूट्यूब चैनल जो हमारा है यूट्यूब चैनल को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के माध्यम से अपने वीडियो को मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो यूट्यूब पर वीडियो ऐसे अपलोड करते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चैनल पर चेक करिएगा दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो क्रिएट करते रहते हैं, वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास माइक नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से कैमरे अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या एक बोया कंपनी का माइक आता 1200-1300 वो भी ले कर सकते हैं। इतना मेहनत करना पड़ता मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको बाद एडिट करना, उसके अपलोड करना, मोटा मोटी 2 घंटा 1.5 घंटा जाता है दोस्तों। जब पहले पहले नया था तो और टाइम लगाता था, क्योंकि रीटेक बार बार लेना पड़ता था, लेकिन बोलते बोलते यूज टू हो चुके हैं, तो अब रीटेक कम लेना पड़ता है, इससे वीडियो जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नई आइडिया होगा कैसे वीडियो को हम क्रिएट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानेंगे और वो भी इससे मोटिवेट होंगे, वो भी यूट्यूब पर काम कर सके। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसी टेक्निक वीडियो देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से वो भी कुछ सीखें। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।